आज का टॉपिक है गिजू भाई इंडियन थिंकर। गिजू भाई का पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बधेका, इनके पिता का नाम भगवान जी बधेका, माता का नाम श्रीमती काशीबाई। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 में सौराष्ट्र के चित्तल गांव में हुआ। इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त किया, कुछ समय तक वकालत किया। वकालत छोड़ने के बाद 1915 में दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन के कानूनी सलाहकार बने। दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन की स्थापना गुजरात के भावनगर में किया गया। इस संस्था द्वारा संचालित विनय भवन में आचार्य के रूप में गिजूभाई ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1920 में दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में अपना बाल मंदिर स्थापित किया। 1922 में भावनगर में तख्तेश्वर महादेव मंदिर के समीप टेकड़ी पर इस बाल मंदिर का नवीन भवन बनवाया गया। इसका उद्घाटन कस्तूरबा गांधी जी ने किया। 1925 में मॉन्टेसरी संघ की स्थापना किया गया। 1925 में प्रथम मॉन्टेसरी सम्मेलन भावनगर में हुआ व 1928 में द्वितीय मॉन्टेसरी सम्मेलन अहमदाबाद में हुआ। गिजू भाई ने अपनी 15 मौलिक पुस्तकों की रचना की व अन्य साथियों के सहयोग से 223 पुस्तकें लिखी। इनकी पुस्तकों में मॉन्टेसरी पद्धति, दीवा स्वप्न व कथा कहानी का शास्त्र आदि पुस्तकें सर्वाधिक चर्चित रही। गिजू भाई गुजराती में शिक्षण पत्रिका नाम की एक पत्रिका संपादित करते थे। बाद में इसे मराठी व हिंदी में भी प्रकाशित किया जाने लगा। 23 जून 1939 को मुंबई में 54 वर्ष की आयु में गिजू भाई का निधन हो गया। गिजू भाई का बाल जगत या बाल मंदिर। 1920 में गिजू भाई ने अपने शैक्षिक विचारों के आधार पर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु बाल मंदिर की स्थापना की। बाल मंदिर में उन्होंने 2.5 साल से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षित करने की व्यवस्था की। गिजू भाई अपने विद्यालय के बच्चों से इतना स्नेह करते थे कि गिजू भाई को बच्चे प्यार से मुंछों वाली माँ कहते थे। गिजू भाई ने अपनी बाल मंदिर की अवधारणा मॉन्टेसरी के बाल गृह से ली थी। मॉन्टेसरी के बाल गृह में मंद बुद्धि बच्चों को शिक्षित किया जाता था, जबकि बाल मंदिर में सामान्य बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था थी। गिजू भाई का शिक्षण सिद्धांत। शिक्षण मातृभाषा में होनी चाहिए। बालकों को पहले पढ़ना सिखाया जाए, बाद में लिखना। शिक्षण में कहानी गीतों का प्रयोग करना चाहिए। धार्मिक व नैतिक शिक्षा हेतु इस प्रार्थना का प्रयोग किया जाना चाहिए। बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य। गिजू भाई ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं। बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक के नैतिक शक्तियों का विकास, बालक की आध्यात्मिक शक्तियों का विकास, बालक में मानवीय गुणों का विकास करना, बालक में कुशल नागरिकता का विकास करना, बालक में सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना व बालक में तर्क एवं चिंतन का विकास करना। गिजू भाई के पाठ्यक्रम। गिजू भाई बाल मंदिर में व्यवहारिक एवं रचनात्मक ज्ञान के विकास को महत्व प्रदान करते थे। इस हेतु निम्न विषयों को पाठ्यवस्तु या पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया गया। पहला भाषा का ज्ञान, दूसरा गणित, तीसरा संगीत एवं नृत्य की शिक्षा, चौथा प्रकृति अध्ययन, पांचवा स्वास्थ्य एवं छठा है बागवानी। गिजू भाई का शिक्षण पद्धति। गिजू भाई ने शिक्षण पद्धति के विषय में लिखा है, सिखाना एक कला है और पद्धतियाँ इस कला के औजार हैं। जिसके पास औजारों के उपयोग का ठीक ज्ञान होता है वह शिक्षक इस कला में धीरे धीरे ही क्यों ना हो सिखाने की कला में कुशल हो जाता है, किंतु जिसने कोई तैयारी ही नहीं की वह तो सिखाने की कला से हमेशा दूर ही रहता है। सिखाने की कला के लिए शिक्षण पद्धति के ज्ञान के साथ ही मानव शास्त्र का ज्ञान, शरीर शास्त्र का ज्ञान और विषयों के महत्व का आकलन इत्यादि भी अपेक्षित है। गिजू भाई ने अपनी शिक्षण पद्धति में निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया है, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, जोड़ीदार विधि, नाट्य प्रयोग विधि, संयोगीकरण और पृथककरण विधियाँ, सिद्धांत मूलक एवं दृष्टांत मूलक पद्धति, त्रिपाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, दर्शन विधि, योजना विधि, किंडरगार्टन विधि, स्वयं शिक्षण पद्धति, उन्मेष पद्धति, कथा पद्धति, चलचित्र पद्धति। गिजू भाई व छात्र। गिजू भाई ने छात्र को अधिक महत्व प्रदान किया है। गिजू भाई विद्यालय को मंदिर मानते थे व बालक को देवता मानते थे। इससे स्पष्ट है कि गिजू भाई बालक को कितना महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते थे। गिजू भाई व शिक्षक। गिजू भाई छात्रों को अधिक महत्व प्रदान करते थे, फिर भी उनके अनुसार शिक्षक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। गिजू भाई के अनुसार शिक्षक को योग्य, अनुभवी एवं प्रशिक्षित होना चाहिए।
इस हेतु गिजू भाई ने अध्यापकों को प्रशिक्षित करने हेतु अध्यापक मंदिर की भी स्थापना की थी। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। गिजू भाई के अनुसार शिक्षक में प्रेम, सहानुभूति, समर्पण की भावना होना अति आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में शिक्षकीय कार्य करना कठिन है। गिजू भाई व अनुशासन। गिजू भाई स्व अनुशासन पर अधिक बल देते थे। वे दमनात्मक अनुशासन के प्रबल विरोधी थे। उनके अनुसार शारीरिक दंड देकर जानवरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रेम, सहानुभूति की आवश्यकता है। शिक्षक को विद्यालय व कक्षा में छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे छात्रों का लगाव शिक्षक के साथ हो जाए। शिक्षक के प्रति बालक का विश्वास जागृत होना चाहिए। बालक के मन में भय का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है गिजू भाई तथा विद्यालय। गिजू भाई ने विद्यालय को मंदिर कहा है। विद्यालय का वातावरण शांत और सीखने के अनुकूल होना चाहिए। मंदिर कहने मात्र से हम मंदिर के वातावरण की कल्पना कर सकते हैं, इसी प्रकार विद्यालय का भी वातावरण होना चाहिए। गिजू भाई ने विद्यालय को बाल मंदिर कहकर एक नवीन संप्रत्यय का विकास किया है। जिस समय बालक के मस्तिष्क में सूचनाओं को ठूंसने का प्रयास किया जा रहा था, ऐसे समय में गिजू भाई की संकल्पना शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण देन थी। शिक्षक केंद्रित विधि के बढ़ते प्रभाव को बाल मंदिर की संकल्पना के माध्यम से बाल केंद्रित शिक्षण विधि में परिवर्तित किया गया। बालक की व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व प्रदान कर वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को रोचक और व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया गया। यदि सभी विद्यालयों को मंदिर, छात्रों को देवता व शिक्षक पुजारी के रूप में कार्य करने लगे तो शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना सरल हो जाएगा।